विश्व के सबसे बड़े गोरखपुर जंक्शन पर बना काफी हाउस हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। ये काफी हाउस अपने समय में कितना गुलजार रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर माधवराव सिंधिया, बलराम जाखड़ जैसे प्रभावशाली नेता काफी के साथ ही डोसा और इडली का जायका ले चुके हैं। अपने समय में गोरखपुर में गिने चुने काफी हाउस में शुमार जंक्शन पर बने अपूर्वा का लोगों ने जबरदस्त क्रेज था। उसका क्रेज इस कदर था कि उस समय के लोग आज भी उस काफी हाउस को याद करते हैं। 1948 में रेलवे स्टेशन परिसर में बना अपूर्वा रेस्टोरेंट यानी काफी हाउस 2004 में बंद हो चुका था, जिसको शुक्रवार की शाम जेसीबी से गिरा दिया गया। अब रेलवे यहां चिल्ड्रन पार्क बनाने जा रहा है। यहां बच्चों को खेलने के लिए कई उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे यात्रा करने वालों के बच्चे थोड़ी देर यहां मौज मस्ती कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, देखिए ये कॉफ़ी हाउस जो है ये पहले बहुत ही फेमस कॉफ़ी हाउस था। इसमें गोरखपुर ही नहीं, इसके आसपास के क्षेत्र के लोग भी जो है इसमें आया करते थे। ये 1948 में ये बनाया गया था और तब ये काफ़ी फेमस हुआ करता था। इसमें ना सिर्फ कॉफ़ी हाउस बल्कि इसके बेकरी के आइटम्स भी बड़े मशहूर थे, अपूर्वा के नाम से चल रहा था। अब चूँकि इसकी बिल्डिंग की जो कंडीशन जो है बहुत ख़राब थी, बहुत जर्जर थी, तो उसको हाल ही में ये निर्णय लिया गया कि इसको ख़त्म करके और उसके स्थान पर एक बच्चों के लिए एक अच्छा सा पार्क डेवलप किया जाए, जिससे जो
बच्चे जो हैं जो स्टेशन पर आते हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्शन रहेगा और वो एरिया भी साफ़ सुथरा रहेगा। पार्क बनाने से एक और भी बात है कि भविष्य में अगर रेलवे को इसको किसी निर्माण के लिए आवश्यकता होती है तो रेलवे जो है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए इसको डिमोलिश करके और बहुत ही शीघ्र ही इस पर जो है पार्क का काम शुरू हो जाएगा। नहीं, इसके कॉफ़ी हाउस को अलग से शिफ्ट करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी IRCTC जो है उसके जो है आउटलेट जो रेलवे में काफ़ी बने हुए हैं स्टेशन पर, तो ऐसी कोई अलग से उसकी डिमांड नहीं है।